नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लाला डेंजर और मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनमें से कुछ ने बुक्स मंगाई हैं, तो आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ ये बुक की अनबॉक्सिंग करेंगे हम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक के माध्यम से आप बहुत सारी नॉलेज पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो इस बुक को जरूर मंगाएं। हमारे सर ने लिखे देवरत्न अग्रवाल जी ने, तो बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें कई सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और अगर आप पॉसिबल है तो यहाँ पर आके आप इंस्टीट्यूट में आके मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो इस बुक का सहारा आप ले सकते हैं, ये बुक आपके लिए बनी हुई है। तो चलिए मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बुक है जो मोबाइल रिपेयरिंग, ये बहुत ही बेहतर है। सर ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, काफ़ी दिनों से इसके लिए अथक परिश्रम कर रहे थे, जो कि अब सफल हुई है और ये आप लोगों के लिए काम आ सकती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग परफेक्ट सीखना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा नॉलेज है। तो आप ये चाहे तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ आकर फिर आप सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लाला डेंजर और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों, ये है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे सर्वेश जी, जो कि यूपी से आए हुए हैं, और ये हमारा स्पाइस का एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें टच नहीं वर्किंग कर रहा है। तो ये हमारे दोस्त मित्र बना के दिखाएंगे आपको ये कैसे काम करेगा। सर्वेश जी बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर्वेश सर, ये टच काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो अच्छा, जब तुम बताओ सर्वेश कि जब टच काम ना करे तो सबसे क्या होना, क्या इसका फॉल्ट हो सकता है, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है? पहले तो ट्रेसिंग करेंगे ना टच की जो नहीं। तो कई लोग क्या होते हैं कि सीधे आते हैं और टच को चेंज कर देते हैं, क्या हमें टच को चेंज करना चाहिए? ऐसा नहीं करना। क्यों पहले जैसे कि हमने टच को देख रहे हैं कि टच में तो कहीं भी स्क्रैच दिख नहीं रहे हैं, कहीं भी टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि सेंसर खराब है, तो इसमें क्या हम चेक करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं? हाँ, ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले तो पावर आईसी लगी होती है टच में, तो पहले तो आईसी के पास जो कंपोनेंट वगैरह जो भी लगे होते हैं वो ट्रेस करते हैं। अच्छा मुझे बताओ एक बात सर्विस कि जैसे इस फोन में हमारे पास कोई स्पाइस का एक एंड्रॉइड फोन है, क्या इस फोन की सर्किट डायग्राम होगा आपके पास? नहीं। तो आप बताओ, क्या आपको इस फोन का ट्रेसिंग करना कितना आसान लगता है? यार आपको पता होगा कि कौन से लाइन पर रेजिस्टेंस आना चाहिए, कौन सी लाइन पर नहीं आया, आपको पता होगा इस पर? पता है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर जो सीखते हैं वो सीखते हैं जनरली कि वो मोबाइल नहीं जिनके सर्किट डायग्राम है, हम जनरली वो मोबाइल, सब तरह के मोबाइल जिनके सर्किट डायग्राम नहीं है उनकी भी सप्लाइयां। तो आपको पता होना है कि कितने पिन की कनेक्टर है और किस पिन पे रेजिस्टेंस आ रहा है, किस पिन पे नहीं आ रहा है, किस पिन पे रीडिंग आ रहा है, किस पिन पे बीप आ रहा है, किस पिन पे बीप नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताओ लाला डेंजर कि अगर इस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आया है तो किस प्रॉब्लम वजह से आया है? सर, ज्यादातर तो इसमें टच वाटर डैमेज के कारण खराब हो जाते हैं, जिसमें से या तो उसके लाइंस ओपन हो जाएंगी या तो फिर शॉर्ट हो जाएंगी। अगर ओपन हुई तो वो तो फिर सीरीज कनेक्शन में हम चेक करेंगे, और अगर शॉर्ट हुई तो फिर पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है बताओ? सर, पैरेलल ट्रैक से जो मतलब जाता है वो एक ग्राउंड होता है और एक सिरा सिरा ट्रैक पे होता है, जिसपे एक सिरा प्लस होता है एक सिरा माइनस होता है। पर कभी कभी अगर दोनों सिरे पे रीडिंग आ रहा है, और नहीं पैरेलल में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं सर्विस? पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर पैरेलल में क्यों लगे होते हैं, कारण क्या होता है? क्योंकि कैपेसिटर हमेशा फिल्टर का काम करता है, तो इसलिए उसको एक सिरा प्लस में दिया जाता है और एक सिरा माइनस में। फिल्टरेशन क्या होती है? फिल्टर किस बात का फिल्टर करता है? सर, वो डीसी को मतलब रोकता है। हाँ, डीसी को रोकता है, स्टोर करता है। जो कचरा होता है उसको ग्राउंड करता है। जो डीसी के अंदर एसी का कचरा होता है उसको फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ता है? ग्राउंड करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारा टच काम नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी टच काम नहीं कर रहा है, तो इसको हमारे जो बनाएंगे वो हमारे एक स्टूडेंट है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ सेठ है, मैं ओडिशा से हूँ। तो इसको सौरभ आप बना के बताइए इसको कैसे बनाना है और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए ठीक है, मोबाइल ले लीजिए।
दोस्तों ये देखिए, जो इसका टच सही है, इसका कोई क्लेम भी नहीं है कि इसका जो सेंसर होता है वो भी सही है, टच काम नहीं कर रहा है। हम देखिए नया टच लगा कर भी देखिए, जो टच लगाने से भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इसका जो पिन है कितना पिन का है। ये जो है हमारा दोस्तों हम देखते हैं कि ये तो टच काम नहीं कर रहा है, तो हम देखेंगे कि इसका डिस्प्ले कनेक्टर किधर है। ये टच का कनेक्टर है, इसका एक हम कोल टेस्टिंग किए तो पता चला कि इसका ग्राउंड है। ये वाला इसका एक वाला पिन जो है वो ग्राउंड में है, और एक वाला में हम कोल टेस्टिंग किए तो उसमें क्या हो रहा है, रीडिंग नहीं आ रहा है, बाकी सब में रीडिंग आ रहा है। तो हम दोस्तों हम यहां से उसका टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, उधर से हम टेस्टिंग किए तो इधर से ये तो बीप आ रहा है। मतलब ये वाले जो पिनों से इन गोले पर क्या आपको बीप मिला क्या? हाँ सर। हाँ, बाकी इन गोलों पे जिस पे आपको ऊपर मिला उस पर भी आपको बीप नहीं मिला? नहीं मिला। तो दोस्तों इधर से हमको इधर से बीप आ रहा है, लेकिन इधर से जो है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो क्या हुआ है ना, ओपन हो गया है, इसी के वजह से वो बीप नहीं बज रहा है। कहाँ पर सर? वो सीरीज में लगा हुआ। सीरीज में लगा हुआ है। पहले दिखाओ यहाँ पर ओपन कहाँ आ रहा है, कनेक्टर पे ओपन कहाँ आ रहा है ये दिखाओ पहले। सर ये जो है 6 नंबर पिन पे ओपन आ रहा है। दिखाओ यहाँ पे मल्टीमीटर पे। ये 6 नंबर पिन पे 1 आ रहा है। दिखाओ एक मिनट। हाँ दिखाओ, कोल टेस्टिंग करो मल्टीमीटर पे 6 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में जब ये 1 आता है तो इसका मतलब है ये ओपन हो गया है। हाँ, तो इसका आपने जब ट्रेसिंग किया तो आपको क्या मिला? आपको ट्रेसिंग करने पर मिला सर, इसका जो सीरीज में है एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ था। कहाँ पर सर? ये जो है यहाँ पर लगा हुआ था वो ओपन है। हाँ दिखाओ जरा उसको चेक करके कि वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें हम कोल टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए कोई इधर से रीडिंग आ रहा है। ये तो कोई रीडिंग आ रहा है, तो यही रीडिंग है जो कहीं ना कहीं बीच से ब्रेक हो गई है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे? तो यहाँ से हम शॉर्ट नॉक कर देंगे। चलो करो, एक भी देना, ये वाला देना। ये हीट नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों हम उसमें थोड़ा पेस्ट लगा देना है। गरम तो हो रहा है। दो अलग अलग रीडिंग आ रहा है। तो आप दो कंपोनेंट, जो एक कंपोनेंट निकल गया उसको आपने क्या कर दिया है, रांगे से शॉर्ट कर दिया है। अब रीडिंग चेक करके बताओ, कोल टेस्टिंग, वहां पे कोल टेस्टिंग करो, दोनों कनेक्टर पे कोल टेस्टिंग करो, जहां पे एक आ रहा था वहां पे दिखाओ। अब रीडिंग आ गया सर। रीडिंग आ गया। तो अभी कनेक्टर लगा के देखते हैं कि वो टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बताओ कि प्रॉब्लम यहाँ पे किसका था, यहाँ पे जेटली बताओ थोड़ा, सर्किट से बताओ प्रॉब्लम किसका था। यहाँ पे कनेक्टर की कौन सी वाली पिन पे थी, पहले पिन बताओ यहाँ पर। ये जो पिन था सर 6 नंबर पिन से हमको रीडिंग नहीं आ रहा था। पेन लेके यहाँ पे लिखो जरा सब पर। हाँ यहाँ पर, हाँ ये सब पर रीडिंग आ रहा, लिखो यहाँ पर सब पर रीडिंग रीडिंग रीडिंग। पर यहाँ पर क्या आ रहा था आपको? 1 आ रहा था। इसमें सर 1 आ रहा था। 1 आ रहा था। ये जो सप्लाई जा रहा था इधर से, इधर तक कनेक्ट था, इधर से जो वो ओपन था। मतलब यहाँ पे आपका लगा क्या था? रजिस्टर लगा था। कैसे पता चला कि यहाँ पे रजिस्टर लगा था? ये तो सप्लाई थी नहीं हमारे पास। तो दोस्तों ये जो हम चेक किए, बाकी में सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ था। हाँ, इसी के वजह से ये यहाँ भी रजिस्टर होगा। रजिस्टर था, वहाँ भी कॉइल होता तो यहाँ भी कॉइल होता। तो ये आपने जो चेक किया यहाँ पर, तो ये सिरा जो आपका ओपन हो गया है, मतलब जो रीडिंग आपकी यहाँ से आ रही थी वो यहाँ पर नहीं आ रही है, इसलिए आपको कंट्रीट यहाँ पे देखने को मिल गई। इसलिए आपने क्या किया, इसका सलूशन क्या किया? इसका सलूशन था जंपर मार दिया। अगर मान लो जंपर से नहीं चला तो फिर आप क्या करोगे? 1K या 10K का एक तो रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसमें अगर लगा देने से वो
हो जाएगा मतलब 1K से 10K का उसके यहाँ पर रजिस्टर बैठाना पड़ेगा। तो आपने ये जो ट्रेसिंग किया, आपको ये जो रजिस्टेंस मिला बिना सर्किट डायग्राम के मिला, क्या इसके लिए सर्किट डायग्राम की जरूरत है क्या? नहीं नहीं है। तो इसकी सप्लाई आपको यहाँ पर चेक करने को मिल जाती है दोस्तों। जैसे कि चलिए इसको हम देखेंगे, लगाओ इसको, आप इसको लगाइए, इसमें डीसी से कनेक्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, 28 दिन का कोर्स है, चिप लेवल पे मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि यहाँ बताया बिना सर्किट डायग्राम के कैसे ट्रेसिंग की जाती है, कैसे सप्लाई को फाइंड आउट किया जाता है, आप यहाँ पे सीखेंगे 28 दिनों के अंदर। तो इनके बाद मैं अपने स्टूडेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलिए यहाँ पे बताइए, तो दोस्तों ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया, हम अब देखते हैं कि टॉर्च काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा फिर और इसको एक बार अच्छा डिस्प्ले कहाँ गया इसका, निकाल दिए क्या, टूटा था? अच्छा तो इसको मैं चालू करके इसका चेक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जैसा कि अभी टच इसका नहीं वर्क कर रहा था और टच भी सही था, कई जगह से कई टेक्नीशियन से ने इसे बनाया लेकिन उन्होंने बना नहीं पाया और हमारे पास आया, हम बिना टच चेंज किए हमारे दोस्त सौरभ ने इसको बना दिया। तो जैसा कि जानते हैं कि एक टेक्नीशियन को जब सही कंपोनेंट्स की जानकारी नहीं रहती तो अक्सर सेट को ख़राब कर देते हैं या वापस कर देते हैं। तो आपको उसके लिए जानकारी चाहिए कि कंपोनेंट्स, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, प्रॉपर कंपोनेंट्स कौन से लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, हर चीज़ की एक जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप फोन नहीं बना पाते। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे सर के यहाँ आइए और 28 दिन के अंदर आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों चूंकि ये मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल है, मैं भी बहुत दिन से भटक रहा हूँ, कई जगह हमने सीखा लेकिन आज तक हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैं भी कहीं कहीं अधूरा हो रहा था। लेकिन यहाँ आके अब मुझे लग रहा है नहीं, मेरा नॉलेज अब परफेक्ट हो चुका है और कोशिश करते करते शायद एक दिन ऐसा आएगा कि मैं टेक्नीशियन के उसमें नंबर 1 जा सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आपका चैनल एशिया टेलीकॉम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और रोज रोज नई जानकारियों के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको यहाँ पर आकर सीखना है और अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट टेक्नीशियन बन सकें तो नीचे जो उस कॉल पे नंबर चल रहे हैं उस पे कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं आप। और मेरा एक नया चैनल बनने जा रहा है मौत का मंजर लाला डेंजर, तो उस पे सब्सक्राइब करके आप रोज रोज नए वीडियो मोबाइल से रिलेटेड। तो अपने चैनल का नाम फिर से बताइए क्या? मौत का मंजर लाला डेंजर। मौत का मंजर लाला डेंजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हम मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने नए एक ऐप्स में और ये ऐप्स में आपको मिलेगा संपूर्ण स्टॉक रूम सारे मोबाइल फ़ोन की। आपको करना क्या है, देवरत्न अग्रवाल लिखना है बिना स्पेस के मेरा नाम, और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखिए नया एक मेरा जो ऐप्स है वो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो ये ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड को आपको इंस्टॉल करना है। ये 1.5 MB का एक ऐप्स है। इस ऐप्स में आपको मिल जाएंगे इंटेक्स, नोकिया, सैमसंग, सौमी, वीवो, ओप्पो, ब्लैकबेरी और भी बहुत सारे आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। इसमें आपको 1 क्लिक की आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कभी भी अगर स्टॉक रूम डाउनलोड करनी होगी तो आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, आपको एंटर टू इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो दोस्तों इस ऐप्स को अभी डाउनलोड करें और आपको जो भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है वो मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें होगा क्या कि मोबाइल में फ्लैश फाइल कभी भी जैसे हम इंटरनेट में डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और IDM नहीं होता है तो हम डाउनलोड करते हैं आधी में रुक जाती है, फिर से हमें डाउनलोड करना पड़ता है या 10 बार कई बार लिंकों को हमें क्लिक करना पड़ता है तब जाके वो फ्लैश फाइल डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर वो आपको फ्लैश फाइल मिल जाएगी बड़ी आसानी से डायरेक्ट। तो चलिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको मेन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चुननी है आपका
फ्लैश स्टॉक रूम किसका आपको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं Xiaomi, अगर आप Xiaomi की डाउनलोड करते हैं तो आपको Xiaomi पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे नीचे चले आएंगे, आपको उसके साथ में यहाँ पर MI का टूल भी दे दिया है, MI का USB ड्राइवर भी दे दिए, Qualcomm के ड्राइवर भी दे दिए हैं। अब स्टॉक रूम तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी है ना Xiaomi MI3, MI4, MI तो सारी MI4S, MI4i, MI5, 5X, 5MI, तो यहाँ पे आपको 5S, यहाँ पे MI6, MI Note, यहाँ पे आपको सबकी मिल जाएगी। और ये है Xiaomi MI Mix, तो ये तो सब MI की चली है दोस्तों। इसके बाद में आपको Redmi की मिल जाएगी, MI Pad, MI Pad 3। अब देखिए यहाँ पे Redmi की चालू हो गई, Redmi 1S, और ये वन क्लिक में आपको क्लिक बस करेंगे आपको ये डाउनलोड पे आ जाएगी दोस्तों, तो इसको डाउनलोड कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ अगर आपने Xiaomi की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के अलावा और कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, जैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं Nokia की, तो Nokia की फ्लैश फाइल कई बार मिल नहीं पाती है, आप फोरम्स में ट्राई करते हैं, फोरम्स में मिलती है, तो Nokia में आपने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर Nokia की फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर Nokia 100, 101, 105 RM मॉडल उसके साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको Nokia के बहुत सारे आपको मॉडल मिलेंगे जो आपको वन क्लिक डाउनलोड पे फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। बात करते हैं Micromax की, अगर आप Micromax के मोबाइल का स्टॉक रूम डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको करना क्या होगा, आपको Micromax में जाना है दोस्तों। आपको अगर Micromax में जैसे MediaTek, Spectrum दोनों तरह के CPU मिल सकते हैं, MediaTek का यहाँ पे टूल डाउनलोड दिया हुआ है, VCOM के ड्राइवर दिए हुए हैं, सब कुछ है, Spectrum का रिसेंट डाउनलोड फ्लैश टूल यहाँ पे दिया हुआ है, XCI फ्लैशिंग ड्राइवर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पर है। अब हम बात करें देखिए यहाँ पे आपको वन क्लिक में जैसे आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए Q300 में डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों वैसे ही ये फाइल ओपन मीडिया फाइल में देखिए, यहाँ से आप आराम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी कितना आसान है अब स्टॉक रूम को डाउनलोड करना। तो दोस्तों आपको ये ऐप्स से जुड़े रहे हैं क्योंकि इस ऐप्स में इसके अलावा भी इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी स्टॉक रूम नई फर्मवेयर जो चाइना मॉडल की है, जिसमें चाइना फर्मवेयर में मैं अभी ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें डाली नहीं है वो अपडेट करूँगा। अब ब्लैकबेरी की बात करते हैं, ब्लैकबेरी की फर्मवेयर मिल नहीं पाती है, तो जैसे कि हम ब्लैकबेरी को क्लिक किए हमने, और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपको ब्लैकबेरी की, देखिए आपको ये फर्मवेयर आपको यहाँ पे ब्लैकबेरी की मिल जाएगी, आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है, कोई यहाँ पे ऐड नहीं चलते हैं, कोई यहाँ पर बहुत सारे आपको लिंक के क्लिक नहीं करनी है, कोई आपको जो वेट करने वाली लिंक है उसको क्लिक नहीं करनी है। वीवो की बात करते हैं हम, चलिए मान लीजिए आपको वीवो वी सेवन प्लस की आपको फर्मवेयर डाउनलोड करनी है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है वीवो V7 Plus, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए वीवो V7 Plus आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये फर्मवेयर डायरेक्टली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के। अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐप्स आपके में खुल जाएगा, बट आप अगर वैसे जाएंगे तो आपको देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के, ये स्पेलिंग आप देख लीजिए, बिना स्पेस के आपको लिखना है और फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। हालांकि इसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है वीडियो के नीचे, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस पर आप आ जाएंगे और इसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और चलाइए दोस्तों। तो जुड़े रहे चैनल से, तो जुड़े रहे चैनल से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू। मित्रांनो हे सरांची नवीन बुक जी आहे ॲडव्हान्स मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10 तारखेला लॉन्च झालेलं आहे, हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। हमारी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.